गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, उसमें नंबर सिस्टम में हमने संख्या का परिमेय संख्या को दर्शाना, परिमेय संख्या ज्ञात करना अलग अलग विधि से सीखा, दो विधियों के माध्यम से सीखा। संख्या वर्ग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसमें हमने सबसे पहले सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार से अलग अलग विधियों से ज्ञात की जाती है, ये हमने सीखा। पहली विधि थी दोनों संख्याओं को जोड़ के दो का भाग देना था, यह आप सबने सीख लिया। दूसरा मेथड है कि जितनी संख्या पूछी जाएगी उसके अंतर्गत हमें संख्याओं को एक प्लस करके जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के अनुसार हमें दोनों संख्याओं को हर को समान करना पड़ता है। इसी प्रकार आप एक बात सभी जने याद रखें कि हमें दूसरी विधि का जब प्रयोग करना है तो उसमें हर समान करना है। किसी भी कंडीशन में हमें दोनों ही परिमेय, दोनों ही संख्याएं जो पूर्णांक संख्या दी गई होगी उनमें हमको हर समान करना है, चाहे वो परिमेय संख्या भी दे रखी हो तो भी हमें उसका हर समान करके ही संख्या प्राप्त करनी है। इसी प्रकार हमने रूट टू का भी निर्धारण किया, रूट टू एक अपरिमेय संख्या जिसका भी अपने निर्धारण कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है 1.2 लिख रहे हैं प्रश्नावली 1.2 जो है उसका पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है कि दिए गए कथन जो है कथनों की सत्यता या असत्यता जांच कीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है अब ये कथन सत्य है असत्य है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब रूट वाली संख्या, अनुरूप में जितनी भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, हम जानते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमें सिद्ध करना है कि कथन सत्य है या असत्य। तो इसका हल होगा ये कथन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह या संग्रह से जो बनी संख्या होती है सही संख्या है, वास्तविक संख्या है कहलाती है। दूसरी बात, अब इसका कारण बताना है कि यह वास्तविक संख्या क्यों है। इसका कारण मैं अभी बता चुका हूं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का इस मीनिंग का इस लाइन का मीनिंग ये कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो रूट वाली संख्या, अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या है क्यों है, इसका रीजन ये क्योंकि वास्तविक संख्याओं की जो परिभाषा है उसके अनुरूप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या को कहते हैं, इसलिए ये आपके लिए सत्य है। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो है वो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अनुरूप एम का रूप हो, अर्थात अनुरूप मतलब अपरिमेय संख्या, अनुरूप का मतलब अपरिमेय संख्या का रूप हो। तो अगर ऐसा हो तो एम एक प्राणी संख्या होगी, तो क्या एम एक वार्तक
अब इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है सत्य या असत्य। देखिए ना पहले क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे समझेंगे तभी अपन उसके बारे में बता पाएंगे सत्य या असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एक का रूट होता है, क्या एम एक प्राकृत संख्या है, तो हमें रूट में जो भी संख्या दी गई है वो अपरिमेय संख्या होती है, हमें पता है। अब बात ये पूछ रही है कि वाक्य में एम क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसके बारे में ये हम कह सकते हैं कि हर बार प्रत्येक बार रूट में रखी गई संख्या एक प्राकृत संख्या हो ये संभव नहीं है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है उसकी परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या वे संख्या है जो एक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होने वाली सारी संख्या है, एक से प्रारंभ होने वाली सारी संख्या है प्राकृत संख्या होती है। अब इसमें असत्य इसलिए कहा गया क्योंकि रूट की संख्या है जो होती है वो पुनरावर्ती खंड के रूप में अनंत तक चलती रहती है, इसलिए असत्य हुआ। अब इसका कारण क्या देंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है रूट में ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्याओं के लिए किसी भी प्राकृत ऋणात्मक संख्याओं के लिए किसी भी प्राकृत का वर्गमूल नहीं होता है, अब बात यहाँ पे समझने की है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो रूट एम के रूप में प्राप्त हो, रूट एम रूट का मतलब अपरिमेय संख्या, तो क्या रूट एम जो संख्या है अंदर बची हुई संख्या जो है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, ऋणात्मक होगी तो उस स्थिति में एम एम प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है वह उसका वर्गमूल होना संभव नहीं है, तो ऋणात्मक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए अनुरूप में रखी गई सारी संख्या है जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या हो संभव नहीं है। आप इसे नोट कर लें, अगला पॉइंट और अपन देखेंगे। ये एक पॉइंट दो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो दूसरा प्रश्न सॉल्व किए हैं, जिसमें पहली कंडीशन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या, ये आप सवाल समझ चुके हैं एक बार नोट कर लें। मैं पुनः इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1.2 एक्सरसाइज का वो है कथन की सत्यता और असत्यता की जांच कीजिए। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या के बारे में कह रहा है तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए वो कि अपरिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है। सबसे पहली बात कि ये अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट में होती है संख्या रेखा पर, तो जितनी भी संख्या है रूट में होती है वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो रूट होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का सम्मिश्र या संग्रह से बनी संख्या होता है, इसलिए वास्तविक संख्या है रूट में जो संख्या है वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो रूट एम के रूप में हो, तो अर्थात संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या जो रूट में आती है अपरिमेय संख्या के रूप में आती है, क्या वे रूट एम जो मान है उसमें संख्या एम है, क्या एम जो संख्या है रूट के अंदर एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका कारण बताना है कि ये है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये असत्य है, इसका रीजन इसलिए है
क्योंकि हम जानते हैं संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या है रूट में वो अपरिमेय संख्या हो, तो रूट में अपरिमेय संख्या होने पर प्राकृत संख्या हो ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या की जो परिभाषा है उसके अनुसार रूट एक से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं जो होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन रूट में अगर ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है, रूट में अगर ऋणात्मक संख्या होगा संख्या आ जाता है तो वह प्राकृत संख्या के रूप में नहीं हो पाता है, इसलिए ये कदम आ सकती है। तीसरा कदम तो आपका है इसमें तीसरा कथन जो है आपका वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या साथ साथ लिखते जाए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें कथन सत्य या असत्य के बारे में पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, अपरिमेय संख्या के लिए वही कथन है, यह कथन असत्य है। हम अगर देखेंगे ये कथन असत्य इसलिए है प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या में रूट में जो संख्या है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। संख्या दो है वास्तविक संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। देखो असत्य के लिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के तौर पर दो एक ऐसी संख्या है दो एक ऐसी वास्तविक संख्या है दो एक ऐसी वास्तविक संख्या है सभी नोट कर ले मैं तो समझूंगा दो एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जो अपरिमेय संख्या जो अपनी ये अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक किसका जो टॉपिक है वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या के साथ उनके दशमलव प्रसार जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा अगला है टॉपिक फोर्थ जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वे संख्या है जिसे हम आर से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं, ये रियल नंबर है आर से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं आर से। वास्तविक संख्या है जिसे हम आर से दर्शाते हैं इन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर। पुनः मैं आपको ये पहला क्वेश्चन जो है 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसका सी वाला पार्ट आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन में बता रहा है सत्य है या असत्य। पहली बात तो ये वास्तविक संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह या ग्रुप है। अब उसके बाद ये कथन असत्य क्यों है इसका भी कारण है, असत्य होने के एक ही कारण है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम अगर दो एक संख्या लेते हैं जो प्राकृत और पूर्ण रूप में होती है तो दो एक ऐसी संख्या है वास्तविक जो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम रूट चार जो है उसका वर्ग करते हैं तो देखने पर हमारे को रूट चार बार आके किस रूप में देता है दो के रूप में, इसलिए दो एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है और
रूट में लिखने के उपरांत भी रूट चार का मान दो के रूप में देखिए इसे वह एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपूर्ण संख्या नहीं है। हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है वो है वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है हमें वास्तविक संख्या के बारे में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार समझ लो कि वे संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह के रूप में प्राप्त होती है। सभी संख्या संख्या रेखा पर जो होती है वे वास्तविक संख्या कहलाती है। इन्हें हम आर से कर सकते हैं। ये नोट कर ले फिर अभी आपको अपना इस्तेमाल करेंगे। अगला टॉपिक वास्तविक संख्या का पूरी है कि वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव बाजार। हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या है एवं उनके दशमलव प्रसार। जैसा कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा संक्षेप में परिमेय और अपरिमेय का संग्रह। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हुई, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को संग्रह से बनी संख्या, संग्रह से बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनी संख्या वास्तविक और वास्तविक संख्या कहलाती है। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव प्रसार और दूसरी संख्या है आपके लिए अशांत शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार की अगर संक्षेप में परिभाषा अपन को जानकारी देनी है तो वो यही है। शांत दशमलव प्रसार में वे संख्याएं आती है जिनमें हम भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा चला जाता है और शेष पर शून्य के रूप में प्राप्त होता है। वो सारी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। जिसे हम टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं। दूसरी बात है अशांत दशमलव संख्या जिनके बारे में हम ये कहेंगे वे सारी संख्याएं जिनमें भाग देने पर शेष फल जीरो प्राप्त नहीं होता है और शेष बार बार पुनरावृत्ति क्रम के रूप में भाग फल के रूप में प्राप्त होता जाता है। उस प्रकार की संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है अनवसानी अनावर्ती और इसका नाम है अनवसानी आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती आसान दशमलव प्रसार और आसानी अनावर्ती। इसकी परिभाषा मैंने बताई आपको। शांत दशमलव प्रसार में वे संख्याएं सभी आती है, वे सभी संख्याएं आती है जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनमें भाग देने के ऊपर शेष फल शून्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसका मीनिंग
ये निकलता है कि दशमलव संख्या है, वे सारी संख्या है जिनमें पूरा पूरा आपस में भाग चला जाता है, वे सारी संख्या है जिनमें आपस में भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता है और उसमें शेषफल शून्य के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार की सारी संख्या है सात दशमलव प्रसार में आती है। दूसरी परिमेय संख्या है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ अशांत दशमलव प्रसार, वे सभी संख्या है जिनमें हम भाग देते हैं, भाग देने के उपरांत शेषफल बार बार रिपीट होता रहता है, इससे भागफल भी चलता रहता है। इस प्रकार की संख्या जिनमें शेषफल जीरो प्राप्त नहीं होता है वे सारी संख्या है अशांत दशमलव प्रसार के रूप में कहलाती है। ये सब दो नोट लीजिए, ये दोनों ही पॉइंट नोट कर ले। नोट कर लीजिए फिर आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है चलिए अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है दशमलव संख्या जो है पहली दशमलव संख्या है सात, दूसरी है थैंक यू स्टूडेंट्स ठीक है आ जाओ।